अनुपमा की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से फाइनली वनराज मना लेगा अनुपमा को, लेकिन इसके साथ ही दोनों की शादी भी होने वाली है क्योंकि दोनों की 25वीं सालगिरह है। 25वीं सालगिरह को स्पेशल बनाने के लिए वनराज अनुपमा से शादी का वादा तो कर देगा, लेकिन वहीं पर काव्य भी जिद लगाएगी कि वो सबसे पहले काव्य से शादी करेगा। यानी शादी का ये ड्रामा आपको शो के अंदर खूब देखने को मिलेगा, जहाँ पर वनराज को ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली के सामने काव्य को ठुकरा कर अनुपमा को ही अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, बता दें आपको कि अनुपमा और वनराज की शादी हो जाएगी और वनराज खुद काव्य को अपने घर से निकाल देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली की नज़रों में वनराज की इमेज खराब हो जाए। देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा इस बार जब काव्य वनराज की लाइफ से जाती है तो इसके साथ ही वो कितनी ज़्यादा नेगेटिव बनकर वापस आती है। तमाम अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सीरियल डायरी।